फ्रेंड्स, मैं हूं और आज हम लोग बात करेंगे फीटल डेवलपमेंट में 13 टू 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी महिला गर्भवती है और उसका चौथा महीना स्टार्ट हो गया है तो उस दौरान जो गर्भ में उसके बच्चा पल रहा है उसमें कौन कौन से नए डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। तो 13 टू 16 वीक का मतलब ये क्या है, ये चौथा महीना है, ये 4 मंथ फीमेल का स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब प्रेगनेंसी की बात आती है, गर्भावस्था की बात आती है, तो उस दौरान हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एक मंथ होता है, एक महीना होता है, उसमें हम 4 सप्ताह मानते हैं, 4 वीक मानते हैं। इसी तरह से जब महिला का हमको ईडीडी निकालना होता है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी होती है, तो इन्हीं वीक के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। एलएमपी का मतलब कि लास्ट महीना का जो पीरियड होता है, लास्ट पीरियड की जो डेट होती है उससे हम काउंट करना शुरू करते हैं, और वही फिर हम जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं वैसे वैसे वीक के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके जो ईडीडी होती है उसको निकाल लेते हैं। तो ईडीडी हम कैसे निकालते हैं, अगर किसी महिला की जो भी एलएमपी हो, जो भी उसकी पीरियड्स की डेट हो, ईडीडी निकालने के लिए हमको सिंपली क्या करना है कि 9 महीने एंड 7 डेज उसकी जो एलएमपी होगी उसमें जोड़ देना है, तो हमको ईडीडी मिल जाएगा। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मंथ की बात कर रहे हैं तो जब महिला का पहला महीना स्टार्ट होता है तो उसको हम काउंट करते हैं 0 to 4 वीक। तो 0 से लेकर 4 सप्ताह का जो समय होता है वो क्या हो गया, वो फर्स्ट मंथ हो गया। उसके बाद सेकेंड जो मंथ होता है वो 5 to 8 होता है। तो 5, 6, 7, 8, 4 सप्ताह इसमें भी हो गए, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा महीना हो गया। उसके बाद जब तीसरे महीने को हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 to 12 वीक, तो ये कौन सा हो गया, ये थर्ड मंथ हो गया। अब यहाँ पे हम 4 मंथ की बात करें तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 13 to 16 वीक, तो ये कौन सा हो गया, ये 4 मंथ हो गया। तो जब बच्चा 4 मंथ का होता है तो उस दौरान अगर हम बच्चे की लेंथ देखें तो लगभग होती है कितनी, 15 to 16 सेंटीमीटर बच्चे की लेंथ होती है। और अगर हम बच्चे के वेट की बात करें कि उसका वजन कितना होता है, तो लगभग 170 से लेके 180 ग्राम बच्चे का वेट होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब गर्भ में बच्चा 13 वीक का मतलब 13 सप्ताह का हो जाता है तो उस दौरान उसमें कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, जब बच्चा 14 वीक का हो जाता है मतलब 14 सप्ताह का होता है तब कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, फिर जब बच्चा 15 वीक का हो जाता है तब कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, और जब बच्चा 16 वीक का हो जाता है तो कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं। क्योंकि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू होता रहता है, बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता तब तक, और उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें बनती रहती हैं, उनका वृद्धि और विकास होता रहता है। तो जब बच्चा 13 सप्ताह का होता है, 13 वीक का होता है, तो उस दौरान जो फीटस होता है, इसकी जो हार्ट बीट होती है, उसको हम क्लियर सुन सकते हैं और बहुत ही लाउडली सुन सकते हैं। मतलब कि उसकी जो हार्ट बीट होगी वो बिल्कुल क्लियर और बहुत ही तेज हमको सुनाई देगी अगर हम ड्रॉपलर के थ्रू देखेंगे तो। अब ड्रॉपलर क्या होता है, तो ड्रॉपलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट होता है, और फीटल हार्ट साउंड होता है, ये दोनों देखते हैं। फीटल हार्ट साउंड हमको सुनाई देता है और जो फीटल हार्ट रेट होती है ये रीडिंग ऊपर हमको उस मशीन पे दिखाई देती है, इंस्ट्रूमेंट पे दिखाई देती है, तो हम पता कर लेते हैं कि बच्चे का जो हृदय है वो कितनी बार धड़क रहा है, उसकी गति क्या है। तो ये जो हार्ट साउंड होता है इतना क्लियर होता है और लाउड होता है कि जो माँ होती है जिसने गर्भधारण कर रखा है वो भी क्लियरली उस चीज को सुन सकती है, सुन लेती है। तो ये चीज हमको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो फीटस होता है, फीटस कैन सक द थम, तो जो बच्चा होगा अब जब वो 13 सप्ताह का हो जाता है तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो जाती है कि वो अपने अंगूठे को चूस सकता है। इसके अलावा बच्चे का जो ओकल कॉर्ड होता है, ये भी बनने लगता है। ओकल कॉर्ड क्या होता है, ओकल कॉर्ड जो हमारी वॉइस होती है उसमें जो साउंड आ रहा है वो ओकल कॉर्ड की वजह से ही आ रहा है। इसके अलावा ओकल कॉर्ड बच्चे को सांस लेने में और किसी भी चीज को निगलने में भी हेल्प करती है, तो ओकल कॉर्ड का निर्माण शुरू हो जाता है। इसके अलावा बच्चे का जो हेड होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बच्चे का जो हेड होता है वो 3 महीने तक उसका जो शरीर होता है, उसके जो हाथ पैर पेट है, उसकी अपेक्षा बच्चे का सिर जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है।
अगर साइज कुछ इस तरह से है तो हेड का जो साइज होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। तो हेड जो है वो पूरे शरीर के अपेक्षा कैसा होता है, बड़ा होता है। लेकिन वहीं पे जब 13 वीक स्टार्ट होते हैं तो उस दौरान अब बच्चे का जो सर होता है वो पूरे शरीर के अनुपात में आने लगता है, मतलब कि शरीर अब क्या है, बढ़ रहा है। बच्चे के हाथ पैर पेट सब बढ़ रहे हैं, तो अब सर क्या होगा कि एक अनुपात में आने लगेगा, बच्चे का सर और बच्चे का शरीर एक अनुपात में रहेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं मतलब कि बच्चे का जो सर है वो बच्चे का जो बॉडी है, बच्चे की जो शरीर है उसके अनुपात में आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, जब बच्चा 14 वीक का होता है तो क्या होता है, तो इसमें होता है द फीटस स्किन स्टार्ट टू थिकन एंड फाइन हेयर बिगिन टू ग्रो। मतलब कि जब बच्चे का 13 सप्ताह पूरा हो जाता है और जो उसका 14वां सप्ताह स्टार्ट होता है तो उस दौरान जो बच्चे की स्किन होती है मतलब उसकी जो त्वचा होती है वो अब थोड़ी मोटी होना शुरू हो जाती है, थिकन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, फाइन हेयर बिगिन टू ग्रो, मतलब कि बहुत ही पतले बाल वहां पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेनिगो हेयर, जिसको हम बोलते हैं लेनिगो हेयर। तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है लेनिगो हेयर क्या होता है और ये कब स्टार्ट होते हैं, कब ये बनने लगते हैं। तो जब 14वां सप्ताह शुरू होता है तो उस दौरान जो लेनिगो हेयर है ये अपीयर होने लगते हैं, दिखने लगते हैं, यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, फीटस कैन स्टार्ट ब्रिंगिंग इट्स फिंगर टू हिट माउथ। मतलब कि बच्चा जो होता है जब वो 14 सप्ताह का होता है तो उस दौरान अब वो जो अपनी फिंगर होती है उनको मुंह तक ले जाने में सक्षम हो जाता है, मतलब एक तरह से उसका मूवमेंट हाथ का होने लगता है, अपने हाथ के द्वारा अपने जो फिंगर्स होते हैं उनको वो अपने मुंह तक ले जा पाता है। नेक्स्ट क्या है, फीटस कैन टर्न हेड, बच्चा अपने सर को भी अब टर्न करने लगता है। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटल आर फुली डेवलप, बच्चे का जो एक्सटर्नल जेनिटल होता है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट बिगिन टू फॉर्म, अब बच्चे के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये बच्चे के जो फिंगरप्रिंट्स हैं अब ये बनना शुरू होने लगते हैं, वो एक फॉर्म में आने लगते हैं। तो जब बच्चा 14वें सप्ताह में एंटर करता है उस दौरान ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है, ये सारे डेवलपमेंट उसमें होते हैं। नेक्स्ट, जब बच्चा 15 वीक का होता है तब उसमें हमको कौन कौन सी चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो उस दौरान सम ऑर्गन लाइक्स इंटेस्टाइन स्टमक ईयर आर मूविंग टू द ईयर परमानेंट लोकेशन। मतलब कि जब बच्चे का 13 और 14 सप्ताह कंप्लीट हो जाता है, उसका 15वां सप्ताह स्टार्ट होता है, तो उस दौरान जो बच्चे की इंटेस्टाइन मतलब आंख होती है, स्टमक मतलब बच्चे का पेट है, ईयर मतलब बच्चे के कान है, ये सभी अपनी परमानेंट लोकेशन पे अब स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो अब स्थिर होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फीटस स्टिल यूज एमनियोटिक फ्लूइड टू प्रैक्टिस ब्रीदिंग। मतलब कि अब जो बच्चा होता है वो सांस लेने की प्रक्रिया को शुरू करने लगता है एमनियोटिक फ्लूइड का स्टिल यूज करके, मतलब थोड़ा यूज करके। अब बच्चा चूंकि ग्रोथ स्टेज में है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस दौरान इकट्ठा तो वो सारी प्रक्रियाएं नहीं कर पाएगा, तो अब थोड़ा थोड़ा वो कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो अब उसने अंगूठा चूसना स्टार्ट कर दिया, उसने सर को टर्न करना स्टार्ट कर दिया, घुमाना स्टार्ट कर दिया, इसके अलावा उसने एमनियोटिक फ्लूइड का थोड़ा बहुत प्रयोग करके सांस लेना भी शुरू कर दिया, ब्रीदिंग कैसे करते हैं उसको भी करना उसने शुरू कर दिया। लेकिन उस दौरान बच्चे के जो लंग्स होते हैं मतलब फेफड़े होते हैं वो डेवलप नहीं रहते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि वो ब्रीदिंग तो स्टार्ट करता है, कोशिश करता है ब्रीदिंग करने की, प्रैक्टिस अब वो शुरू करता है, लेकिन उसके जो लंग्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फीटस बिगिन टू स्माइलिंग योन मेक फेस। मतलब कि अब जब बच्चा 15 वीक कंप्लीट करता है तो उस दौरान अब बच्चे का जो फेस होता है वो स्माइली होने लगता है, बच्चा एक तरह से उसका अगर हम फेस देखें तो वो हमको हंसता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बच्चा जम्हाई लेना भी शुरू कर देता है, उनका मतलब होता है कि बच्चा जम्हाई ले रहा है और वो तरह तरह के फेस भी बनाने लगता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी देने लगता है। तो ये सारी चीजें हमको कब देखने को मिलती है, जब बच्चा 15 वीक कंप्लीट कर लेता है उस दौरान। अब बच्चे का 16 वीक स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि चौथे महीने का लास्ट
वीक स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान बच्चे में हमको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो द फीटस लिप्स एंड ईयर डेवलपमेंट इनफ दैट इट कैन हियर योर टॉक, मतलब कि जो बच्चा होता है जब वो 16 वीक का हो जाता है उसके 4 महीने कंप्लीट होने वाले रहते हैं, लास्ट सप्ताह चलता रहता है 4th महीने का, तो उस दौरान उसके जो लिप है उसके जो ओट है वो डेवलप हो जाते हैं, साथ ही उसके कान जो होते हैं वो इतना पर्याप्त डेवलप हो जाते हैं कि वो आपकी बाहरी जो बातचीत है उसको सुन सकता है। तो 4 महीने के दौरान जो बच्चे की सुनने की क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम ब्रॉड लेवल पे पढ़ रहे हैं इसका पढ़ने का बस एक ही पर्पज है कि इसके थ्रू जो आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि बच्चा थंब सकिंग कब स्टार्ट करता है, बच्चा अपने हेड को टर्न करना कब स्टार्ट करता है, बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वो सब कब अपने लोकेशन पे जाकर सेट होने लगते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जो लेगुनो हेयर है ये कब अपीयर होने लगते हैं, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इनका आंसर आपको इस पूरे चैप्टर में मिल जाएगा। तो हमने देखा कि बच्चे के जो लिप है वो 16 वीक मतलब 4 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, साथ ही जो बच्चे का कान है वो इतना डेवलप हो जाता है कि वो आपकी बात को सुन सकता है। नेक्स्ट क्या है, आई इज क्लोज्ड, तो बच्चे की आंखें उस दौरान अभी भी बंद रहती हैं। इसके बाद क्या है, मेकोनियम बिगिन इन इंटेस्टाइन, तो जो मेकोनियम होता है जिसको हम बच्चे का फर्स्ट स्टूल कहते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गर्भ के अंदर ही मेकोनियम पास कर देते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिलीवरी के बाद मेकोनियम करते हैं, तो ये जेस्टेशनल एज पर डिपेंड करता है। किसी महिला का अगर जो डिलीवरी है वो समय से हो जाती है तब तो मेकोनियम बच्चा बाद में पास करता है, लेकिन अगर वहीं पे जो डिलीवरी का समय है वो लंबा जा रहा है तो उस दौरान बच्चे अंदर ही मेकोनियम कर देते हैं, जो फिर बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाता है। जैसे नॉर्मल भाषा में कहा जाता है कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया, तो गंदा पानी पीने का मतलब होता है कि बच्चा जो स्टूल पास करता है उसको वो ले लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि कौन सी चीजें हमको लेनी है अंदर कौन सी नहीं लेनी है, क्योंकि वो क्या है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, उसको नहीं पता है। तो अब बच्चे के इंटेस्टाइन में जो मेकोनियम है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके पहले हमने देखा था कि जब बच्चा 15 वीक का था तो उस दौरान जो उसकी इंटेस्टाइन थी वो परमानेंट लोकेशन पे अपने हो रही थी, सेट हो रही थी। इसके बाद 16 वीक जब था तो उस दौरान अब क्या हुआ, इंटेस्टाइन में मेकोनियम बनना स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या है, रियर टू लाइट, तो जो बच्चा है जब वो 4 महीने का हो जाता है गर्भ के अंदर उस दौरान वो लाइट के प्रति अपना रिएक्शन देने लगता है। अगर हम महिला का अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं तो उस दौरान अगर बच्चा डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में आता है तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, ये नॉर्मल हमको देखने को मिल जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी के दौरान। तो ये सारे डेवलपमेंट होते हैं जब बच्चा 4 महीने का होता है गर्भ के अंदर, तो उस दौरान उसमें ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी चीजें देख ली, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब बच्चा 5 महीने का होता है तो हर सप्ताह में, जैसे कि अभी हमने 4 सप्ताह देखे 4वें 4थे महीने में, उसी तरह से 5वें महीने में तो उसमें कौन कौन सी नई चीजें डेवलप होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।